एक पंडित पंडितायन और एक लड़का एक बीघा धान निरा रहे थे। गुवार के महीने में कड़ाके की धूप में पसीने में तर शिव पार्वती उधर से निकले। पार्वती माताएं तो दयालु होती है, उस बच्चे को देख के दया आ गई। बोले भोलेनाथ, भला ब्राह्मण होके खेत निरा रहे हैं, इन पर दया करें। बोले भोलेनाथ, बोले इनके कर्म में नहीं लिखा है। तो पार्वती बिगड़ी, जब कर्म में लिखा होता तो कहीं धान निरावत, खुद ही पागे होते, आप औठर दानी हैं, आप दानी किस बात के हैं, देव इसको। बोले हम दे देंगे तभी नहीं पाएगा। बोले आप कृपया दीजिए। भोलेनाथ ने कहा अभी उतनी तपस्या कर नहीं है कि हम दर्शन दे, मैं तीन वरदान देता हूं। एक फटा बागमर पहन के विभूति सिभूति रमाए भोलेनाथ प्रकट हो गए। तुम लोगों को बड़ा कष्ट है, एक एक वरदान तीनों जने मांग लो। तो इतने में पंडिताइन ने तिरछी आंख से देखा, बोले बोले खुद तो सहुर सीख ले, माई लोग बड़ी बोलता होती है, अपने तो कायदे से कपड़ा पहन ले, आधा नंगा तो घूमते खुद, बड़ा वरदानी बना है। बोले नहीं माई, मैं अवश्य दूंगा। तो बोले बहुत बड़का वरदानी, तुम्हें 16 साल की सोलहों श्रृंगार से युक्त बनाए दे तब जानी। पंडितानिया दमके लगी लप झप, पंडित का बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुढ़ोती में हम 65-70 साल के पंडितानी 55-60 के बीच में रही है, ये बुढ़ोती ने अच्छा धोखा दी। समके यह मांगे कर रहा, कोनो बढ़िया मांग ले चाहत रहा। समझ गए कि कह देते हो जाता है। बोले भगवान हमऊ के वरदान दियो। बोले पंडित तुम राज्य मांग लो, जो चाहो मांग लो। बोले महाराज भिक्षान फिर अब तो जिंदगी कट गई, इतनी तो आगे कट जाएगी। ये बुढ़ोती में इस पंडित ने हमके जो धोखा दिया है, पहले एक के थोड़ा हम सबक सिखाए ले, एक ईश्वरी बनाई दो। क्रोध में बुद्धि तो रहती नहीं, वो सर्द ईश्वरी होगी, घुर घुर करके घूमे लगी अरेरिया के खेत में, लड़कुआ लगा रोने। लड़कों के लिए माँ छोड़ के और होता ही कौन है। बोली बेटा रोता क्यों, वरदान मांग, इंद्र लोक ले ले तू, देव लोक देवेंद्र का साम्राज्य ले ले। बोले प्रभु जिसकी माई सूरी बन के मारी मारी फिरे मेला खाए, वो बेटा इंद्रपद भोग के क्या करेगा, हमार माई जैसी रही वैसे हो जाए। खट दिनों फटे ही साड़ी और खुरपी आ गई, हाथ में धान निराए लगी। तीन वरदान मिले, तीनों मिस हो गए। वो कल्प वृक्ष थे भगवान शिव, सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, लेकिन सुर तरु तरे तो ही दरिद्र सतई है। दरिद्रता ने नहीं तुझे छोड़ा, क्यों कि नाम नहीं जपा था।